सपने में सार का मछली दिखाई देना, यह एक अशुभ सपना होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। हमें सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण होता है। हमारा जो शरीर होता है पंच महाभूत तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा से मिलकर बना हुआ होता है, और इसे ही प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति के ऊपर में आत्मा का वास होता है। जब हम निद्रावस्था में होते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, परंतु हमारी आत्मा जागृत अवस्था में होती है, और हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुद्धि, जो तीन तरह की होती है, चेतन, अवचेतन, अतिचेतन, जो हमारे द्वारा भूतकाल में किए गए कार्य या वर्तमान काल में हम जो कार्य करते हैं उसको जोड़कर एक समुचित फल, स्वप्न फल के माध्यम से बताने की कोशिश करती है या संकेत देती है कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे स्वप्न फल आते हैं, और बुरे कार्य करते हैं तो बुरे स्वप्न फल आते हैं। तो स्वप्न में सार का मछली देखना एक अशुभ स्वप्न होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। विपत्तियां एवं समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न हो सकता है। कर्जा बढ़ सकता है आपका। आर्थिक हानि होने की भी संभावना यह प्रदर्शित करती है। तो कुल मिलाकर एक अशुभ सपना है, और इस अशुभ सपना के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आपको अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। शिव जी के पंचाक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय का ध्यान करना चाहिए। यह गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाए और सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर प्रभावी हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल पे बहुत सारे सपनों का मीनिंग बताया गया है। आप प्लीज़ इस पे विजिट कीजिए और बहुत सारे सपनों का मीनिंग जानिए और उसका लाभ उठाइए। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग प्रदान करे। धन्यवाद।